तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो होप सो आप सब बढ़िया होंगे, अपना ध्यान अच्छी तरह से रख रहे होंगे। तो मेरे वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव था कि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप वीडियो बनाइए, जो हमारा अपडेट आया है ये फन टच 12 का, तो इसके फीचर्स हमें बताइए। तो बिल्कुल ये वही वीडियो है। तो इतने टाइम से मैं यही मतलब देख रहा था कि अपडेट में क्या फ़ीचर्स आए हैं और क्या ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आज हम उन फीचर्स को जानेंगे इसी वीडियो में, क्या डिसएडवांटेज हमें मिला है। तो दो तीन दिन में गाइस नहीं पता लगता है, पूरा हफ्ता मैंने इस अपडेट को दिया है, क्या बैटरी ड्रेनिंग इशू आ रहा है, क्या और क्या इश्यूज आ रहे हैं सॉफ्टवेयर में, पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे कर लें, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपसे आप तक फटाफट वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में लेके चलता हूँ। तो ये देखिए गाइज, जैसे कि हमारा फन टच ओएस 12 आ चुका है फ़ोन में। तो मेरे पास जो वेरिएंट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, मेरे पास है 8 GB 128 GB। तो एंड्रॉयड में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, एंड्रॉयड 12 में अपडेट हो चुका है फन टच एंड्रॉयड 12 में। तो चलिए फ़ीचर्स के बारे में आपको बात करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स में फ़ीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपने टच करना है, तो होम सेटिंग में जाना है। ये देखिए गाइस, आपको ये राउंडेड शेप में आइकन्स दिखेंगे, उनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ये देखिए, जैसे ये स्क्वायर शेप में हो गया, सर्कल शेप में हो गया, इन्हें आप कस्टमाइज़ करके स्मॉल और लार्ज भी कर सकते हैं। दूसरे फीचर की बात करूं, जैसे आपने कोई रीसेंट एप्लीकेशन ओपन की हुई हैं, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन ओपन की थी, तो आप उन्हें ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आपको जैसा बढ़िया लगा मुझे कमेंट में बता देना कि भाई हमको ये वाला अच्छा लगा। तो मैंने तो ये वाला लगाया हुआ है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट फ़ीचर की बात करूँ तो आगे चल के मैं आपको लास्ट में एक ऐसे फीचर के बारे में बात करूंगा जो आपको पसंद भी आएगा। तो वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो जैसे मैं सेटिंग में जाता हूं, सेटिंग ओपन करते हैं हम, तो इसमें आप जैसे लिखते हैं रैम, ताकि आपको यहां पे आ जाएगा एक्सटेंडेड रैम। तो आप इसे, जैसे मेरा 8 GB वेरियंट है, तो सेपरेट आपको 4 GB भी देगा। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, आप यहाँ पे हैवी वर्क करना है तो उसमें ये सफिशेंट होगा, आपको फ़ोन लैग नहीं होने देगा। आपने गेम खेलनी है, जैसे BGMI हो गई, कोई हैवी आपने यूसेज करनी है, तो उसमें आपको ये स्मूदर एक्सपीरियंस देगा। तो नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ऐप्स, यहाँ देखिए विजेट्स आ जाता है। तो ये देखिए न्यू हमारे पास फीचर आया है ये एंड्रॉयड फन टच 12 में, तो आप इसे कस्टमाइज करके आप स्क्रीन में भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए ये म्यूज़िक प्लेयर को मैं इधर ले गया हूँ, नैनो म्यूज़िक प्लेयर, तो ये भी हमारा एक फ़ीचर आया है। तो ये देखिए लिखा है स्विच ऑडियो सोर्सेस, सेलेक्ट द ऑडियो सोर्स यू वांट टू प्ले म्यूज़िक फ्रॉम, करंटली सपोर्टेड एप्स आर म्यूजिक जूक्स बॉक्स एंड स्पॉटी। परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे, ये आपको इधर ले जाएगा, आप इसको परमिशन यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए गाइज, मैंने परमिशन रिक्वायर्ड मांग रहा था तो मैंने तो जैसे यहाँ पे है, अलग इसकी ये विंडो बन चुकी है, आप इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं और सीधा ही यहाँ पे क्लिक। बात करूँ इसके फीचर्स की तो ये देखिए गाइज, आप डार्क थीम का, तो ये देखिए जैसे भी आप कोई थीम अप्लाई करेंगे, जैसे भी अपना ब्राउज़र में आप सफरिंग करते हैं, थीम अप्लाई किया तो उसके सिमिलर उसका पूरा बैकग्राउंड में हो जाएगा, आप अप्लाई करके देख लेना। या मैंने कैमरा ओपन किया तो बिल्कुल हमारे ये देखिए ऊपर राइट हैंड साइड में ग्रीन सिग्नल आपको दिखने लगेगा। तो ये इंडिकेशन है कि कौन सी थर्ड पार्टी ऐप या सिस्टम ऐप ने आपका माइक्रोफोन या आपका कैमरा परमिशन लिया हुआ है आपसे। तो ये भी एक अलग फ़ीचर है।
तो मैं जैसे आपको व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ, तो व्हाट्सएप में जाके आप लोकेशन भेजते थे, तो इसमें आप लाइव लोकेशन के साथ आप अल्टरनेटिव साथ में लोकेशन भी आप भेज सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वही प्री डिफाइंड लोकेशन भेजनी है। आईफोन वाला फीचर है तो एंड्रॉयड में अभी आया है। तो अगले फीचर की बात करूँ, जैसे कि मैं कोई यहाँ पे देखिए मैं फ्री फायर यहाँ पे चलाता हूँ, तो जो हमारा ये मल्टी टर्बो मोड था उसमें भी पूरी कस्टमाइजेशन की गई है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे साइड से इसको किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा बैटरी सेवर मोड, तो दूसरा है बैलेंस मोड और तीसरा है परफॉर्मेंस मोड। तो मुझे सबसे ज़्यादा बैलेंस मोड लगा। सिस्टम नेविगेशन में जाके सेटिंग में जाके आप सर्च कर सकते हैं सिस्टम नेविगेशन, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हम वैसे कि बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ मैं 3 बटन्स को, तो आप जैसे ही जैसे नेविगेशन आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे दिखा है जैसे नेविगेशन ट्यूटोरियल, तो आप यहाँ पे भी जाके पूरा सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ तो आप ऐसे जो उसे स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखिए जैसे कि मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो मैं नीचे से इसको हल्का सा स्क्रॉल करूँगा, तो मैंने बैक आपको यहाँ पे जैसे बता रहा था तो वो प्रीवियस आपको वो खुल जाएगा। तो ये होगी बात हमारी फीचर्स की। तो लास्ट फीचर की मैंने बात की थी, तो वो है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई हमारे भाई बुक रीड करते हैं, रात को उनको आदत होती है मूवीज़ देखने की, तो इन्होंने फीचर दिया है एक्स्ट्रा डिम का। तो आप एक्स्ट्रा डिम में कैसे जा सकते हो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप सेटिंग में मूव करते हैं तो आप सीधे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये देखिए जैसे ही आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ये बेसिकली असेसिबिलिटी में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिम का फीचर। ये देखिए, तो मैंने ये डार्क थीम भी ऑन कर रखा हुआ है और मैंने एक्स्ट्रा डिम भी ऑन कर रखा हुआ है। आप जैसे रात को मोबाइल आप चलाते हो या मूवी देखते हो आप, तो आपको ये फीचर ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, तो ये बढ़िया फीचर है ये। तो ये थी हमारी फीचर्स की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये अपडेट तो उन्होंने हमें दे दी है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है अपडेट में, चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। जैसे कि गाइज मैंने बात की है आज फन टच 12 के अपडेट के फीचर्स के बारे में, आपको मैंने बताया कि कौन से नए फीचर्स आए हैं। तो सबसे बढ़िया फीचर जो मैं आपको बात करूँ, मुझे एक्स्ट्रा डिम का ही लगा है। जैसे आपकी बैटरी भी रिड्यूस कम होगी, तो रात में आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप गेम्स भी खेल सकते हैं, तो आपकी आइज़ पे ज़्यादा ड्रेन भी नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, ओवरऑल कस्टमाइजेशन ठीक है इसकी। तो मेनली मैं बात करूं तो गाइस मैंने हफ्ता मैंने ट्राई किया है, तो बहुत ज़्यादा इसमें बैटरी ड्रेनिंग का इशू आ रहा है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस इतना हिसाब हो गया कि बस प्लग के पास बैठे रहो, आप चार्जिंग करी जाओ फ़ोन को, ये मतलब आप हैवी यूसेज नहीं कर पा रहे हो। तो होप सो कंपनी नेक्स्ट अपडेट में इसका हल हमें ढूंढ के दे। तो अभी तक मेरे भाइयों को जिनको भी अपडेट नहीं आया कहीं, आप किसी कॉपी पे लिख लो, तो आपके पास ट्विटर का अकाउंट तो होगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या करना है। जिनको अपडेट नहीं आया तो ट्विटर के अकाउंट पे जिनका नहीं है आप बना लीजिए, तो वहाँ पे आपने सीधी बात करनी है वीवो इंडिया से। वीवो इंडिया से बात करिए कि भाई मुझे अपडेट अभी तक नहीं मिल रहा है, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, आपका जो सॉफ्टवेयर जो आपको करंट वर्जन जो चल रहा है उसकी आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा, तो देख लेना जो आपको मतलब ठीक लगता है। कोई बात कॉन्फिडेंशियली वो मत भेजना, या ब्लर करके भेज देना, जो रिसेंट आपका वर्जन है वो भेज देना आप। तो उनको बताना कि मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपके फ़ोन में अपडेट आएगा। तो वैसे मेरे हिसाब से जून के एंड में सबको अपडेट मिल जाना चाहिए। तो आज गाइस घर पे था तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मैंने कमेंट भी शेयर की है, जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया थैंक्स टू ऑल, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो ओवरऑल ये अपडेट बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए कि आपको अपडेट नहीं करना चाहिए, अपडेट बिल्कुल बेस्ट है। देखिए आप जब तक चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, मैंने भी की है अपने फ़ोन में, तब तक आपको चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं पता लग सकती। आप एग्री करते हो ना मेरी बात में? तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप शेयर करना, लाइक करना ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर की हमें ज़रूरत है, तो आप फट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।